क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन और इस तरह का क्वेश्चन मेंस ने पूछा था, क्योंकि इस क्वेश्चन का तो पेपर का तो पैटर्न टाइप था वो मेंस ही था। तो अगर ये अपने पास में एक फंक्शन दे रखा है एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस में के प्लस फोर एक्स प्लस में के स्क्वायर माइनस ट्वेल्व, ये अपने पास फंक्शन है। और अगर ये अपने पास फंक्शन है तो मैं एक छोटी सी बात और समझता हूँ कि इस फंक्शन के जो भी रूट्स होंगे वो अल्फा बीटा मान लेते हैं क्योंकि दिया हुआ भी है, और ये कह रहे हैं कि अल्फा बीटा के बीच में कोई वैल्यू चार आ रही है, तो कहना मतलब इसका जो भी ग्राफ होगा वो ऐसा अपवर्ड पैराबोला होगा, इसके रूट्स का नाम अल्फा और बीटा होंगे और बीच में कहीं पर चार आ रहा है, तो चार पर आने वाली जो भी वैल्यू होगी एफ फोर दैट विल बी नेगेटिव। अब अगर मैं फंक्शन में फोर डाल देता हूँ तो एफ फोर का मतलब हो जाएगा, ठीक है भाई, एफ फोर का मतलब हो जाएगा उधर की तरफ 16 माइनस में के प्लस 4 इंटू 4 प्लस में के स्क्वायर माइनस 12 इज लेस देन 0, श्योर है? तो अगर आप देख रहे हैं तो ये बन जाएगा माइनस का 16 और प्लस का 16 तो कट गया, फाइनली इट इज़ के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 12 इज लेस देन 0, श्योर? ये के स्क्वायर माइनस 4k को मैंने जानबूझ के प्लस 4 दिया, इधर माइनस का 16 लेस देन 0 कर दिया, इट इज़ नथिंग बट k माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 बोले तो 4 इज लेस देन 0 हो गया। तो इससे मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये बन गया k माइनस 2 माइनस 2, इसको 4 को मैं, क्योंकि ये अपने पास फाइनली कितना रह गया 12 माइनस का ये 4 का स्क्वायर, सॉरी ये बन गया k माइनस 6 इंटू के प्लस 2 इज लेस देन 0, ध्यान है? तो k की वैल्यू फंस गई किससे किसके बीच में, 6 और माइनस 2 के बीच। अब माइनस 2 से लेकर के और 6 के बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं वो गिना दूं मैं आपको, एक तो माइनस 1 एक 0 एक 1 2 3 4 5, तो कुल मिलाकर के वी हैव हाउ मेनी इंटीजर्स, दैट इज 7, तो आंसर इज सी, ठीक है?